अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये स्टिच पैटर्न जो कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाली हूँ, मेल स्वेटर विथ फ्रंट ओपन एंड शॉल कॉलर, जो मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी शुरू करूँगी। उसके लिए मैं ये डिज़ाइन जो है उस पर ये डिज़ाइन बनाऊँगी, ये निटिंग स्टिच पैटर्न बनाऊँगी। तो आज हम सीखेंगे ये स्टिच पैटर्न। मल्टीपल ऑफ 10+6 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 36 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 10+6। तो आप 10 के हिसाब से बेशक 30 फंदे कास्ट ऑन कर लें या 50 कर लें या 60 कर लें, मल्टीपल ऑफ 10 प्लस आखिर में ऐड 6, ठीक है। तो आप फंदे कास्ट ऑन करेंगे अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे जस्ट 10+6 फंदे जो है स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी ताकि हमारा टाइम बच जाए, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रो समझा दूंगी कि किस तरह ये पैटर्न बनता है, किस तरह आप ये निटिंग स्टिच पैटर्न जो है बनाएंगे। 10+6 हमने फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं सिलाई पे। यहां पे मैंने 10+6 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10+2, 4, 6। आप 10 के हिसाब से कितने भी फंदे, 20, 30 कितने भी कास्ट ऑन कर लें, सिलाई पे डालें, उसके बाद में प्लस 6 ऐड कर लें उसमें। रो नंबर 1 जो हमारी होगी वो राइट साइड से होगी। मैं यहाँ टाइम बचाने के लिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ। स्वेटर का बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से आपने डिज़ाइन शुरू करनी होती है। कुछ डिज़ाइन बैक साइड से शुरू होते हैं बट ये राइट साइड से। राइट साइड आपके काम की और आपने जो पहली रो है आपकी वो आप रो नंबर 1 पहली सिलाई, पहला फंदा आपने सीधा उल्टा बुना, पर्ल 1 निट 4, चार घर जो हैं आपने सीधे बुनने हैं। फिर से आपने पर्ल 1 एक फंदा उल्टा बुनना है और निट 4, चार फंदे आपने स्टिचेस उल्टे सीधे बुनने हैं। उसके बाद फिर से आपने इसी तरह पर्ल 1 एक फंदा उल्टा बुनेंगे और चार फंदे सीधे निट 4, पर्ल 1। मैं इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगी, एब्रीविएशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही आसान है ये पैटर्न। आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो स्टॉकनेट स्टिच और गार्टर स्टिच का जो है और बीच में इसके रिब जा रही है उसका कॉम्बिनेशन है। रो 2 जो हमारी होगी दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, वो आपने एक फंदा सीधा बुनना है और चार फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, एक सीधा और चार उल्टे, फिर एक सीधा निट 1, पर्ल 4, निट 1, पर्ल 4, फिर निट 1। ये रो 2 थी हमारी रॉन्ग साइड से। अब यहां पे हमने थर्ड रो सेम रो 1 की तरह बुननी है, पर्ल 1 निट 4, रो थर्ड हमारी पर्ल 1 निट 4 थर्ड रो है ये हमारी। आपने वो आखिर तक जितने भी आपके पास फंदे होंगे वो इसी तरह आपने रिपीट कर लेने हैं। थर्ड रो, थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो जो है हमारी चौथी सिलाई, वो दूसरी सिलाई की तरह एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर चार फंदे उल्टे, निट 1, पर्ल 4, फिर से निट 1, पर्ल 4, फिर से निट 1, पर्ल 4,
और फिर से knit one. फिफ्थ रो हमारी पांचवी सिलाई जो होगी, पांचवी सिलाई रो फिफ्थ हम पहली सिलाई की तरह बुनेंगे. पर्ल वन, सी उल्टा फंदा बुना पहला और फिर चार फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुने, फिर एक फंदा सीधा पर्ल वन निट फोर. इसी तरह आपने चार फंदे सीधे और एक उल्टा करके आखिर तक बुनना है, जितने भी फंदे आपके पास होंगे. फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई. सिक्स्थ रो हमारी जो छठी सिलाई है, रो सिक्स छठी सिलाई, छह फंदे छह घर हम सीधे बुनेंगे, निट सिक्स स्टिचेस. छठी सिलाई सिक्स्थ रो निट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे सीधे बुन लिए यहाँ पे. और उसके बाद पर्ल फोर, चार फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से निट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं. ये सिक्स्थ रो हमारी. सेवेंथ रो जो होगी हमारी वो रो वन की तरह होगी. पर्ल वन, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और चार सीधे, एक फंदा उल्टा और चार सीधे. सीधी साइड से जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो आखिर तक हमने रो वन की तरह ही बुननी है, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है. प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा. सेवेंथ रो हमारी पर्ल वन निट फोर, अगेन पर्ल वन निट फोर, पर्ल वन निट फोर, एक फंदा सीधा चार उल्टे, एक फंदा सीधा चार उल्टे, एक फंदा नो एक फंदा उल्टा चार सीधे, फिर से एक फंदा सीधा चार उल्टे और एक फंदा सीधा. ये हमारी सेवेंथ रो हो गई. एट रो जो हमारी होगी वो सिक्स रो की तरह होगी, छठी सिलाई की तरह. हम छह फंदे सीधे बुन लेंगे. एट्थ रो आठवीं सिलाई, छह फंदे हमने सीधे बुनने हैं. एट्थ रो छह फंदे सीधे बुने, निट सिक्स, अगेन पर्ल फोर, चार घर उल्टे बुनेंगे, फिर से सिक्स निट सिक्स स्टिचेस, छह घर छह फंदे आपने सीधे बुन लेने. इसी तरह रिपीट करते जाएंगे जितने भी स्टिचेज हों आपके पास. नाइन्थ रो फिर से हमने एक फंदा उल्टा बुनना है. नाइन्थ रो नवीं सिलाई हमारी, एक फंदा उल्टा पर्ल वन निट फोर, निट फोर पर्ल वन, चार फंदे सीधे फिर एक उल्टा फिर चार सीधे फिर एक उल्टा फिर चार घर सीधे फिर एक घर उल्टा. टेंथ रो हमारी दसवीं सिलाई, फिर से रो सिक्स की तरह, निट सिक्स स्टिचेस, छह फंदे आपने छह घर फंदे स्टिचेस जो भी बोले, छह फंदे छह घर आपने सीधे बुन लेने हैं. निट सिक्स पर्ल फोर, चार घर उल्टे, फिर से छह फंदे सीधे. इसी तरह आपने रिपीट करना है, चार घर उल्टे छह सीधे, चार घर उल्टे छह सीधे, पर्ल फोर निट सिक्स. फिर से जो हमारी इलेवेंथ रो हमारी ग्यारहवीं सिलाई, यहां से आप गिन सकते हैं, ये सिक्स थी, छः सात आठ नौ दस, ग्यारहवीं सिलाई पर्ल वन निट सिक्स निट फोर, एक फंदा उल्टा बुना छः चार सीधे,
एक फंदा उल्टा चार सीधे, नेट फोर पर्ल वन। फ्रंट साइड राइट साइड की जितनी भी सिलाइयां होंगी वो आपने रो वन की तरह ही बुननी है। ये पैटर्न में नहीं लिखा होता लेकिन मैंने ये पैटर्न की पहले प्रैक्टिस करी हुई है तो मुझे पता है कि ये पहली रो बार बार रिपीट होती है फ्रंट से। रो 12 बारहवीं सिलाई हमारी 12th रो, वो दूसरी सिलाई की तरह होगी, नेट वन पर्ल फोर, एक फंदा सीधा बुना और चार उल्टे, पर्ल फोर नेट वन, पर्ल फोर नेट वन। रो 12 सेम एज रो 2। इसी तरह आपने आखिर तक रिपीट करना है जितने भी स्टिचेस फंदे आपके पास होंगे। 13th रो जो होगी 13वीं सिलाई हमारी, वो पहली सिलाई की तरह मैंने आपको जैसे बताया है कि पर्ल वन, एक सिलाई सीधी बुनेंगे और फिर चार सिलाइयाँ, एक फंदा उल्टा फिर चार फंदे सीधे, पर्ल वन नेट फोर, सेम एज रो वन। 13th रो सेम एज रो वन, पर्ल वन नेट फोर, पर्ल वन नेट फोर, पर्ल वन आखिर तक। थर्टींथ रो हमारी, 14th रो सेम होगी हमारी रो 2 की तरह, नेट 1, एक फंदा सीधा चार उल्टे, 14वीं सिलाई हमारी 14th रो, नेट 1 पर्ल 4 नेट 1 पर्ल 4 नेट 1 टू द एंड आखिर तक। 14th रो फिफ्टींथ रो हमारी जो होगी वो सेम रो वन की तरह, पर्ल वन नेट फोर, एक फंदा उल्टा और चार सीधे। जब हम कोई लेंथी पैटर्न समझा रहे होते हैं तो दो चीज़ों पे फोकस करना होता है, एक रोज पे फोकस करना होता है कि हम कौन सी सिलाई पे हैं और एक हम कौन सी बुन रहे हैं उस पे, और किस रो पे कैसे क्या बुनना होता है उसमें थोड़ा सा हो जाता है। समटाइम्स मैं स्टिचेस को, फंदों को रो कह देती हूँ सिलाई, तो सॉरी फॉर दैट। 15th रो हमारी सेम रो वन की तरह, एक फंदा उल्टा चार सीधे, एक फंदा उल्टा चार सीधे आखिर तक, एक फंदा उल्टा आखिर। अब जो हमारी 16th रो होगी 16वीं सिलाई 16th रो हमारी, वहां पे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर चार उल्टे, नेट वन पर्ल फोर 16th रो, फिर नेट सिक्स, छह फंदे सीधे। 16th रो पे हमारा चेंज आया है रॉन्ग साइड से, नेट वन पर्ल फोर नेट सिक्स पर्ल फोर रिपीट टू एंड, आखिर में एक फंदा बचेगा नेट वन। 16th रो। 17th रो हमारी सेम रो वन, रो वन की तरह ही बुनेंगे, एक फंदा उल्टा चार सीधे, पर्ल वन नेट फोर, पर्ल वन नेट फोर। पर्ल वन एक उल्टा नेट फोर, चार सीधे,
रो पर्ल वन, एक उल्टा। अब आप देख रहे हैं कि पहले हमने यहां पे गार्टर स्टिच बनाए, अब बीच में फिर सिलाइयां बुनी सेम रो वन और रो टू की तरह, और उसके बाद अब यहां पे हमने फिर से इस तरह तीन गार्टर स्टिच की लाइनें देनी है। तो आखिर में प्रैक्टिस कर करके आपके लिए पैटर्न आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होगा। 17th रो, 17वीं जो हमारी सिलाई होगी 17th रो, वो हमने बुन ली सेम रो वन की तरह। अब हमारी जो 18th रो है वो छठी सिलाई की तरह होगी फिर से, और 16वीं सिलाई की तरह होगी 16th रो की तरह। 18th रो निट वन पर फोर सेम एज रो 16, फिर नेट 6, 6 फंदे सीधे बुनेंगे नेट 6, और फिर से पर्ल 4 और नेट 1। 19th रो हमारी जो होगी, 19th रो 19वीं सिलाई हमारी सेम रो 1 की तरह, पर्ल 1। मैं इसकी डिटेल्स बिगनर्स के लिए बता रही हूँ ताकि बिगनर्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं स्किप कर सकती हूँ ये कह के सेम रो 1 की तरह बना लें, लेकिन फिर बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है। आप लोगों की आसानी के लिए, बिगनर्स की, मैं इसे स्किप नहीं कर रही। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट वो हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं बिगिनर थी तो मुझे ऐसे उलझन होती थी कि भाई स्किप कर दिया, क्योंकि ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिटन वो सबको पढ़नी नहीं आती, निटिंग लैंग्वेज जो होती है। 16, 17, 18, 19, 20वीं जो सिलाई है वो सेम होगी हमारी 16वीं सिलाई की तरह, 16th रो की तरह होगी 20। नेट 1 पर 4, एक फंदा सीधा 4 उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे नेट 6, फिर 4 फंदे उल्टे पर 4, रिपीट टू एंड, और फिर नेट 1, एक फंदा उल्टा। आप देख सकते हैं कि रॉन्ग साइड से जो है वो नेट वन स्टिच फ्रॉम दिस साइड एंड नेट वन, पहला फंदा और आखिरी फंदा रॉन्ग साइड से हमने सीधा बुना हुआ है, और पहला फंदा और आखिरी फंदा राइट साइड से हमने उल्टा बुना हुआ है। फ्रंट रोज जितनी भी होंगी वो होंगी रो वन की तरह, ये आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो होंगे बैक साइड से। तो इसी तरह आपने 1 to 20 रोज को रिपीट करना है जब तक आपको आपके पैटर्न की लेंथ ना मिल जाए। यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया हुआ है 20 सिलाइयाँ रोज, 20 रोज 20 रोज 40 रोज, तो ये है डेफिनेटली इसकी लेंथ बड़ी है। और यहाँ पे आपने जितने भी फंदे कास्ट ऑन करने हैं उसके बाद आप तब तक इसे बुनेंगे जब तक आपको आपकी लेंथ ना मिल जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं डिटेल में ये समझा सकूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना डिटेल में नहीं लिखी हुई है, आप ये लैंग्वेज देख सकते हैं निटिंग की, ये डिफ़िकल्ट होते हैं पैटर्न लिखे हुए, सब नहीं पढ़ सकते, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई और पैटर्न सीखना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।